हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाली रुपिंदर एच एम ब्यूटी सैलून में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि टीवी पेन स्टिक्स जो होती हैं, जो मैंने आपको नंबर बताए हुए हैं FS 28, 38, 25, ये जो हैं इनका रियल और फेक का कैसे पता चलता है। तो बहुत बहुत ईजी है। पहले तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। सबसे बड़ी बात, अगर आपने पता लगवाना है कि आपका जो आपने टीवी पेन स्टिक खरीदी है वो ओरिजिनल है या फेक है, तो वो पता लगवाने के लिए आपको पहले तो ख़रीदे ही क्रायलॉन www.kryloan.in.com आता है, जो कॉस्मेटिक के लिए क्रायलॉन का वेबसाइट होता है, जो उसी से ख़रीदें। एंड सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपने क्रायलॉन के स्टोर से नहीं ख़रीदना, आपको पता नहीं चल रहा, तो आपने अगर किसी स्टोर से ली है तो कैसे पता चलेगा। तो मैंने एक इंडिया से ऑनलाइन परचेज़ की थी और एक इंडिया के स्टोर से परचेज़ की थी। तो सबसे पहले जब आप खोलेंगे तो ना इसके साइड्स पे ना ऑयल लगा होता है, शाइन आपको पता चल जाएगी, ठीक है, दैट इज़ ओरिजिनल। दूसरा नंबर, जब मैं इसको खोल रही हूँ, ये ड्राई होगा, ये ऑयली है एंड दैट इज़ ड्राई। और मेन थिंग, इसके चारों तरफ ऑयल नहीं है, इसके चारों तरफ ऑयल होगा। और ये बहुत स्मूथ है, दिस इज़ वेरी स्मूथ। इसको खोलना बंद करना बहुत इसी, और ये हार्ड है, इट मीन्स ये फेक है। इसको बंद करना में टाइम लग रहा है, और ये देखो इसको दबाना पड़ा, इस ये फेक है क्योंकि ये बहुत हार्ड है खुलने में, उस अकॉर्डिंग टू दिस। और तीसरा जो इसका मुझे पता चला है कि इससे पता चल सकता है, मेरी मतलब मुझे जो रिसर्च में पता चला है, हम जब यहाँ ये चीज़ देखते हैं ना, यहाँ पर लिखा होता है मेड इन जर्मन, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसा लिखा था। तो जब मैंने ये परचेज़ की थी तो यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर मेड इन जर्मन, ये सब टीवी पेंट स्टिक ये तो लिखा होता है, बट अपोजिट साइड पे यहाँ पर मेड इन जर्मन लिखा होना ज़रूरी है, तो उससे भी पता चल जाता है। तो नाउ ये इस टाइम 1150 की हो चुकी है, किसी टाइम ये 650 की थी, 750 की हुई, 850, 1000, अब 1150 का इसका प्राइस हो चुका है। तो मेन शेड मैंने आपको बताए हुए हैं, परचेज इट। अगर आपको रियल एंड फेक का इससे ऊपर कुछ नहीं है, मतलब जितना भी मैंने देखा है कि मुझे नहीं लगता इससे कुछ आता होगा इसके ऊपर। हाँ, आप इसका नंबर भी क्रायलॉन के स्टोर पे पूछ सकते हैं कि इस नंबर जो ये नीचे नंबर दिए हुए हैं, इन क्रायलॉन के कॉल करके स्टोर पे आप पूछ सकते हैं कि ये रियल है या फेक है, वो भी आपको गाइड कर देंगे। जो कस्टमर सर्विस कॉल नंबर होता है, एग्जैक्टली मुझे इंडिया का नहीं पता नंबर, आप सर्च कर सकते हैं। तो वैसे ये दो तीन जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी रियल। हाँ, एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गई, देखिए यहाँ बीच में होल नहीं हो रखा इसके, ठीक है, इस पर होल है, ये रियल है। जिस पे होल होगा ना, वो क्यों दुकानदार ये होल कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने देखना होता है कि इसमें ऑयल है या नहीं। इस पे होल नहीं है, ये फेक है, दैट इज़ फेक। हमेशा इस चीज़ को ज़रूर गौर कीजिएगा, अगर इस पे होल हो रखा है ना, आप वो परचेज़ कर सकते हैं, बिकॉज उसमें आपको ये डाउट नहीं है, क्योंकि जिस शॉप से आप ले रहे हैं वो बंदा भी उसने चेक किया होता है। कई बार कहते हैं यार तुम, ये तो टूटी हुई है, ये टूटी नहीं होती है फ्रेंड्स, ये उन्होंने चेक किया होता है कि कहीं ये फेक तो नहीं है, तो वो चेक करने के लिए यहाँ होल कर देते हैं। लेकिन जो फेक है ही फेक है, उनको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी शक्ल से और उसके कलर्स में भी बहुत डिफरेंस होता है। अगर सेम शेड भी आप देखोगे ना, रियल और फेक का 2 नंबर डिफरेंस लगता है हमें। तो कई बार मैं कस्टमर्स को कह देती हूँ, आप यार FS 28 खरीद लो, FS 25 खरीद लो, 35, वो कहते हैं यार हमारी स्किन से तो मैच ही नहीं हो रहा। तो फिर मुझे लगा कि यार लगता है कि फेक बिक रही हैं, पता नहीं चल रहा कहाँ से खरीदें। तो आप www.kryloan.in से खरीदें, नहीं तो सर्च मारे क्रायलॉन के जो स्टोर हैं, मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, कोलकाता में हैं, अब तो हमारे चंडीगढ़ में भी खुल चुका है, और बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं। आप जहाँ से मेकअप का सामान खरीदते हैं
उन्हें कह दीजिए, किसी पार्लर में जाएं उन्हें कह दीजिए कि आई वांट क्रायलोन, ये स्टिक चाहिए यार और इतने की है, तो मुझे आप 100 रुपये ऊपर ले लीजिए पर मुझे स्टिक दिलवा दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि उनको भी कुछ अगर मार्जिन होगा तभी है ना, बिकॉज इसमें अब डिस्काउंट मिलना तो बिल्कुल नो, जो प्रिंट रेट है वही मिल रहा है यहाँ पर, आप मानेंगे $30 की मिल रही है मुझे। तो बस ये है कि क्रायलोन के स्टोर से मिल रही है तो ओरिजिनल है, तो इसलिए कोई हमें लेने के टाइम प्रॉब्लम नहीं आती, बट आप थोड़ा सा संभल के रहें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, रियल फेक का डिफरेंस पता चल गया होगा। तो जो क्रायलोन की वेबसाइट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी डाल देती हूँ, आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा उस वेबसाइट में जाके लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। अभी भी ये प्रोडक्ट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, अभी जर्मन में सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत से लोग हैं जो ये यूज़ कर रहे हैं, चाहे मैक आ गया है, चाहे अर्बन डिके आ गया है, चाहे टार्ट आ गया है सिफोरा में, चाहे बहुत सारे ब्रांड्स हैं वो बहुत कुछ आ चुका है, बट अभी भी लोग क्रायलोन को, ये स्टिक्स अभी भी लोग क्रायलोन की अभी भी यूज़ करते हैं, क्योंकि दिस इज़ मेन शेड्स जो आपको आपके कैजुअल मेकअप में, ब्राइडल में बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।